हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं अतुल कुमार फ्रॉम एलएन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलिए यहाँ पे जेनेटिक्स को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे थर्ड लॉ, जो मेंडल की थर्ड लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना। तो इसमें कंडीशन क्या है कि जो ये जनरली लिया जाता है, इट इज़ मतलब कि ये 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 मतलब कि इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, ठीक है ना। ये किसकी कंडीशन में होता है कि इसमें कंडीशन बात करते हैं कि डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए करा जाता है एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे कहा जाता है कि दो कैरेक्टर का यदि मतलब कि दो कैरेक्टर जो है इंडिपेंडेंटली मतलब कि माइग्रेट करके एक दूसरे के पास जाते हैं, मतलब कि सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ पे इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं कैरेक्टर का ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है ना। जनरली अपन बात करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में किस तरीके से होता है और कैसे उसकी क्रॉस चेक करेंगे और कैसे जो है चेकरबोर्ड के थ्रू जो उसमें निकालेंगे, और सारे के सारे चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाएंगे हम। चलिए सबसे पहले तो आप हेडिंग दो कि ये होता क्या है, ठीक है ना। मेंडल्स लॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना। इसी और यह लिख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या है बेटा कि इट इज़ अ थर्ड लॉ, इट इज अ मेंडेलियन थर्ड लॉ, इट इज अ मेंडेलियन थर्ड लॉ, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉस। मतलब कहने का मतलब है कि देयर इज अ सम एक्सेप्शंस इन दिस लॉ। इस लॉ में क्या कुछ एक्सेप्शन मैंने बताया था शुरू में, दैट इज अ लिंकेज। अब क्या कंडीशन है कि लिंकेज के टाइम में क्या होती है कि आपका ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते, एक दूसरे से अलग नहीं होते, कैरेक्टर कहीं ना कहीं अलाइन होते हैं एक दूसरे पे। तो उस तरीके से अपन बात करते हैं कि हेयर इज अ एक्सेप्शन, मतलब कि कुछ क्या है अपवाद है, जो अपवाद क्या है बेटा लिंकेज। अब ये होता क्या है कि जनरली अपन बात करेंगे कि ये 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 लॉस होते क्या हैं कि अकॉर्डिंग टू मेंडल, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आप डेफिनेशन लिख सकते हो क्या है डेफिनेशन में, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, वन पेयर ऑफ ट्रेट इंडिपेंडेंट और does not interact with segregated pattern of another, segregated pattern of another pair trait। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि मतलब कि जब इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है, एक दूसरे से अलग होती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो करके किसी भी तरीके से वो क्या हो सकता है कि मतलब माइग्रेट करके जा सकते हैं। ये सिनेरियो किस तरीके से है कि मैं दिखाता हूँ आपको कि एक सीन बनता है
कि ये किसके लिए फॉलो होता है, ये किस में होता है, इट इज बेस्ड ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, डायहाइब्रिड की कंडीशन क्या होता है कि यहाँ पे दो कैरेक्टर को लेकर के क्या करते हैं, एट ए टाइम एक्सपेरिमेंट करते हैं, दो कैरेक्टर टिक टू कैरेक्टर एट ए टाइम। उस कंडीशन में क्या था कि मान लो कि अपन बात करते हैं कि यहाँ पे सीड का जो है शेप की बात करते हैं और दूसरा सीड का कलर की बात करते हैं, सीड के कलर की बात करते हैं, तो शेप में भी दो बात करेंगे। कैसा शेप, एक तो क्या होगा बेटा, एक तो राउंड होगा जो डोमिनेंट है, और दूसरा क्या होगा, रिंकल्ड होगा। क्या होगा, रिंकल्ड होगा। यहाँ कलर की बात करते हैं तो डोमिनेंट वाले क्या होगा, ये ज़्यादा, ये डोमिनेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे येलो और दूसरा जो है क्या हो जाएगा, ग्रीन, तो डोमिनेंट ये है। अब कंडीशन क्या है कि ये दोनों के दोनों, मान लो कि अपने को बात करें कि एक 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 हमने क्या किया कि पैरेंटल जनरेशन को लिया, पैरेंटल जनरेशन क्या लिया कि एक को हमने क्या कर दिया कि आपको जो है रॉन्ट और येलो इसको क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, कि कंडीशन क्या है कि इसको क्रॉस करवाते हैं किससे, तो रिंकल्ड और येलो से, मतलब ग्रीन से। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इससे जो गैमीट बनेगा, ये गैमीट बना और इसका जो गैमीट बनेगा बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा। तो ये दोनों के दोनों यदि क्या होंगे, क्रॉस करेंगे, तो आपकी प्रोजेनी क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये प्रोजेनी आपका कब आया, एफ वन जनरेशन में, कब आ रहा है, एफ वन जनरेशन में। और एफ वन जनरेशन को अब क्या करेंगे, तो एफ वन जनरेशन को फिर से क्या करा जाएगा, इसको सेल्फिंग करा जाएगा। तो इसके लिए हमें गैमीट इसका निकालना पड़ेगा, ओवरऑल बात करें तो गैमीट निकालना पड़ेगा, जिसको सेग्रीगेट करने के लिए हमें मियोसिस वन के मेटाफेज वन को दिखाना पड़ेगा। तो चलिए मैं कुछ कैरेक्टर को इस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक लाइन, मैं इसको लिखता हूँ तो आपको बिल्कुल नज़र आएगा किस तरह से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है। इट इज एप्लीकेबल टू ओनली दोज केसेस वेयर द डिफरेंट एलील आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है, डिफरेंट वेयर डिफरेंट एलील आर प्रेजेंट एट द डिफरेंट क्रोमोसोम। यहाँ पे बात करते हैं, इट अकर्स इन मेटाफेज वन ऑफ मियोसिस वन, देखना होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ एलील्स इज इंडिपेंडेंट of another pair of allele, independently segregate हो रहा है। क्या कह रहा है कि ये लाइन देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ एलील इज इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर ऑफ एलील, दिख रहा है ना। चलिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंटल व्यूज दिखाता हूँ किस तरीके से जो है सेग्रीगेशन होती है इंडिपेंडेंटली कैरेक्टर का, एलील का, पेयर ऑफ एलील का। तो चलिए मैं यहाँ पे एक सीन लेता हूँ, ये मान लो कि हमारे पास जो है एक सेल है, ठीक, एक सेल में चार क्रोमोजोम को अपन लेते हैं। तो ये मान लो कि हमारा एक क्रोमोजोम है कैपिटल टी,
ठीक है ना। दूसरा कंडीशन क्या है कि स्मॉल टी, ठीक है ना, जो मैंने बात करा यहाँ पे एक लिया कैपिटल आर और एक मैंने ले लिया स्मॉल आर, मतलब दो कैरेक्टर को अपने को लेना है स्मॉल आर, ठीक है ना। एक सेल है, एक सेल के अंदर मैंने ये देखा कि मतलब इस जगह पे मतलब कि ये सेल है और सेल के अंदर जो है क्रोमोसोम का जो है अरेंजमेंट हमने इस तरीके से लिया। अब क्या कंडीशन है कि इसको हम इंटरफेज से पास कराएंगे, तो इंटरफेज से जैसे ही पास कराएंगे तो इसमें एक एस फेज होता है जिसके कंडीशन में क्या होता है डीएनए की अमाउंट क्या हो जाता है डबल हो जाता है। तो यहाँ पे क्रोमेटिड्स जो सिंगल क्रोमेटिड्स का जो क्रोमोसोम है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा डबल क्रोमेटिड्स हो जाएंगे। तो इस सीन में आपको दिखाना पड़ेगा कि थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्या क्या कि यही घुमा घुमा के बनाऊँगा, मतलब कि बड़ा हो जाए तो रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है हमारे पास वो डबल्ड हो गया, मतलब कि कैपिटल टी यहाँ पे स्मॉल टी वाली बात करेंगे, स्मॉल टी दो क्रोमेटिड्स है, यहाँ पे बात करो बेटा तो कैपिटल आर कैपिटल आर। यहाँ पे कंडीशन क्या है स्मॉल आर यहाँ जैसे ही हुआ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मियोसिस वन दिखता हुआ नज़र आएगा। तो मियोसिस वन होने के लिए क्या होता है कि इस कंडीशन में आपको पहले तो बायफर्केशन होगा ये माइटोसिस के जरिए, ये टूटेंगे, ये टूटने के बाद जो है दो सेल बनाएगा अपना 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 दो सेल बना दिया। तो यहाँ पे जैसे ही सीन बनता है तो आपको ये दोनों के दोनों अपना चले जाएंगे यहाँ पे, एक ये हो गया ये आ गए, फिर एक जो है कैपिटल आर किसी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, अब इसको मियोसिस वन से पार कराना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे इंटरफेज में आए, इंटरफेज में आने के बाद जो है ये अपना अपना सेगमेंट्स को दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है अपने अपने जगह पे मतलब कि यहाँ आने के बाद ये फिर से जो है अपना मतलब कि ये दोनों के दोनों, मतलब कि इस जगह पे आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मान लो थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूँ, ठीक है। तो सीन कैसा बनेगा आपको मैं दिखाता हूँ, दो दो जो अलग अलग एक एक के सीन में ऐसे मान लीजिए, टाइम ज़्यादा ले रहा है ना, चाहिए ठीक है आ जाइए वापस आइए। तो ये सीन बन रहा है, तो आपको कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमने कहा क्या कि ये बनाओ या ये बनाओ, तो ये कंडीशन क्या है कि जैसे ही अपन बात करेंगे कि दोनों के दोनों सीन बनेंगे आपका, तो कोई एक एक ले लीजिए, मतलब कि दोनों के दोनों ये या ये बनेंगे। अब कंडीशन क्या है कि जैसे ही अपन बात करें तो इसकी कंडीशन में भी दो भाग में बटेंगे और इसमें भी क्या होंगे दो भाग में बटेंगे, तो एक वाले पार्ट जो है ये इधर चले जाएंगे ये इधर चले जाएंगे। तो मान लो कि एक पार्ट ये हो गया दूसरे पार्ट ये हो गया, यहाँ पे एक पार्ट ये हो गया और दूसरे पार्ट ये हो गया। तो कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करें तो ये है, यहाँ पे बात करें तो ये आ गया, यहाँ पे
अपने को बात करें तो दोनों के दोनों जो है ब्लैक वाले ही आ गए। एक एज्यूम करिए, ठीक है, एज्यूम करिए मतलब कि ये आ गए, तो कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल आर। दूसरा कंडीशन है कि ब्लू वाले को देख लीजिए आप, ब्लू वाले कैपिटल आर, यहाँ ब्लू वाले स्मॉल टी, यहाँ दोनों के दोनों ब्लू वाले स्मॉल टी कैपिटल आर। अब ये दोनों भी जाएंगे, ये दोनों भी मतलब कि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ जैसे ही अपन बात करेंगे तो बिल्कुल आपको दिखता हुआ नज़र आएगा कि एक जो है दो दो बनाएंगे। कंडीशन क्या है कि यहाँ से एक एक अपने अपने पोल पे मूव कर जाएंगे, तो मतलब कि एक के कंडीशन में एक आएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे ही अपन बात करेंगे इसके कंडीशन में भी क्या होगा, दो होगा, इसके भी कंडीशन में दो होगा, इसके भी कंडीशन में दो होगा और इसके भी कंडीशन में दो होगा। तो कंडीशन क्या है कि जैसे ही अपन बात करें तो ये जो सीन बन रहा है, ये जो सीन बन रहा है दोनों के दोनों सीन के कंडीशन में यहाँ जो रेशियो होगा वन इज टू वन के आसपास होगा जो जो प्रोबेबिलिटी है। तो आपको कहीं ना कहीं दिखता होगा कि जो गैमीट बनता है वो क्या हो रहा है कि बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ें दिख रहा है। तो अपन डायहाइब्रिड के कंडीशन में ये बात, ये सारे के सारे बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मान लो कि एक मैं बना देता हूँ, एक कैपिटल टी वाला आ गया, ब्लैक कर देता हूँ कैपिटल टी, एक जो है कैपिटल आर वाला, यहाँ पे फिर दूसरा बात करो तो वही सीन बनेंगे कैपिटल टी और क्या कैपिटल आर। फिर यहाँ पे एक सीन बनेगा, कंडीशन क्या है कि यहाँ पे एक स्मॉल टी और एक जो है स्मॉल आर, फिर यहाँ पे सीन बनेगा एक स्मॉल टी एक स्मॉल आर, ठीक है ना, ब्लैक में ले लीजिए, ये बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो रेशियो बनता है ये रेशियो को मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या कंडीशन है कि टाइप्स ऑफ गैमिट जो भी बन गया वहाँ पे, टाइप्स ऑफ गैमिट क्या कंडीशन है कि कैसे, आपको मैंने बताया रेशियो वन इज टू वन इज टू वन इज टू वन, ये रेशियो बन गई। इसका मतलब है कि जो प्रोसेस आपने बताया कि जो गैमीट में जो इंडिपेंडेंटली कैरेक्टर का क्या हो गया, माइग्रेशन हुआ, ये दिख रहा है ना। अब सीधे तरीके से आपको बताएंगे कि गैमीट बनाने का क्या क्या फॉर्मूलेशन है, फॉर्मूला को मैं नेक्स्ट टाइम भी बताऊंगा, लेकिन अभी भी आप जो है देख सकते हो कि गैमीट फाइंड करें, जीनोटाइप फाइंड करें, फिनोटाइप फाइंड करें, ठीक है ना, और जायगोट भी निकाल सकते हो आप। तो बिल्कुल सीन तो अलग सा बनता है कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेशन है, कुछ सम फॉर्मूला, टू फाइंड, यहां पे बात करते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप नंबर ऑफ नंबर या टाइप्स ऑफ गैमिट, ठीक है, ठीक है ना। जीनोटाइप के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे अपन, टू टू दी पावर एन, ठीक है, यहाँ पे फिनोटाइप के कंडीशन में बात करते हैं तो थ्री टू दी पावर एन, और गैमीट की बात करते हैं तो क्या कंडीशन है भाई, गैमीट के कंडीशन में टू टू दी पावर एन। लेकिन जैसे ही जायगोट की बात करो तो जायगोट की बात करेंगे तो ये दोनों के दोनों अपना को लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सीधे तरीके से अपन बात करें तो क्या फोर टू दी पावर एन, यहाँ पे सीधे तरीके से आपको बताऊं तो ये हो गया आपका एक बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब एन क्या हो गया भाई, एन हो गया नंबर ऑफ हेट्रोगेमस,
हेटरोजाइगस। हेटरोजाइगस जितने होगा, एज फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ अभी कि जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है ना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये जो है डायहाइब्रिड है, ये कैसा दो हेटरोजाइगस है, तो कंडीशन क्या है कि एन इक्वल टू कितना हो गया टू। तो यहाँ पे अपन जैसे ही बात करेंगे कि नंबर ऑफ गैमीट की बात करो तो टू टू द पावर एन, क्या कंडीशन है कि जैसे मैं बता रहा हूँ टू टू द पावर एन, तो टू की पावर टू बराबर कितना फोर। तो किस तरीके से इसको यदि फोर्क लाइन मेथड से बात करते हैं, ये तो एक मेथड हो गया, दूसरा फॉर्मुलेशन से फोर्क लाइन मेथड से, ठीक है। एक तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे देखिए बाबू, एक आर से, ठीक है ना, एक आर के कंडीशन में ऐसा मैं लिया, एक तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दूसरे आर के कंडीशन में भी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो यहाँ पे देखिए इसकी चार गैमिट बनती हुई नज़र आ रही है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर जो है स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर जो है स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये कितने गैमिट बने, चार गैमिट। तो दो दो मेथड हो गए आपके फोर्क लाइन और एक जो है फॉर्मुलेशन मेथड से। इसी तरीके से अपन फिनोटाइप जीनोटाइप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।